कैसे हैं आप सभी लोग? एनटीए ने बहुत बड़ा काम किया है। आज हमेशा टाइम पे रिजल्ट देता है, इस बार भी टाइम पर रिजल्ट दे दिया है इन्होंने। इसका नीट यूजी 2024 का, और आज ही के दिन अभी काउंटिंग चल रही है। हमारे जो लोकसभा का चुनाव है उसकी भी काउंटिंग चल रही है ना, रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट रात तक हो सकता है। उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन जो पढ़ाई ढंग से किए थे, ऑनेस्टली, ईमानदारी से जिसको बोलते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, ना तो पेरेंट्स के ऊपर, ना तो टीचर के ऊपर, ना तो दोस्तों से, उनका स्कोर थोड़ा डाउन भी हो तो भी कोई बात नहीं होता है। ये आपको एक मौका दिया है रीएसेस करने का, अपने आप को रीएसेस आप किस सेंस में करेंगे? एक तो आपने जो गलतियां की, मिस्टेक्स, आपने एग्ज़ाम के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक्स की, एग्ज़ाम के अंदर क्या मिस्टेक की, आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए या प्रेशर नहीं झेल पाए, जो आपको आ रहा था वो क्वेश्चन टेंशन में वहाँ पे गड़बड़ हुआ कि कहीं गलत ना हो जाए, या आपने पढ़ाई करने के टाइम पे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे सेक्शन थे जिनके लिए बोला था कि इसको लास्ट में रिवाइज करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, याद करने वाली चीज़ है, लास्ट में करेंगे तो याद रह जाएगा, ये सब ना मिस्टेक्स होती हैं। इसके अलावा लापरवाही बच्चे बहुत करते हैं, गलतियाँ तो करते ही करते हैं, लापरवाही भी बहुत करते हैं। लापरवाही किस सेंस में होती है? लापरवाही ये होती है कि जब शेड्यूल पे चीज़ें करने की होती हैं उस टाइम पे आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं। आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, चलो आज नहीं करते हैं प्रैक्टिस, कल कर लेंगे, कल नहीं करते हैं तो एक हफ्ते बाद कर लेंगे, संडे को सब कर लेंगे। रिविज़न आपको रेगुलर करना है, सबसे पहला काम सो के उठने के बाद रिवाइज करना है चीज़ों को, 10 मिनट ही करिए, 20 मिनट ही करिए, लेकिन रिवाइज करिए, लेकिन वो आप काम नहीं करेंगे, कब करेंगे? अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पूरा साल बाकी है। अब जैसे रिजल्ट आ गया फाइनल में, पूरा साल अभी बचा हुआ है। तो एनटीए को इसलिए भी धन्यवाद कि इन्होंने रिजल्ट टाइम पे देखे ना, कुछ बच्चों का टाइम जो है थोड़ा बचा दिया, मतलब जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे इस सोच में, टेंशन में कि अरे अभी रिजल्ट आना बाकी है। क्यों? क्योंकि वो एमआर सीट आने के बाद भी कुछ कुछ लोगों को था, अपना क्वेश्चन भेजे थे, जो भी था उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के बाद फिर से आंसर की शायद रिलीज किया इन्होंने, और उसके बाद फिर रिजल्ट दे दिया जल्दी से। एक्सपेक्टेड रिजल्ट शायद 14 जून का था, लेकिन पहले दे दिया आई थिंक। ओके, कहने का मतलब ये है कि चीज़ें आपके फेवर में थी नहीं थी अभी उसका कोई मतलब नहीं है, आगे की चीज़ आपको अपने फेवर में करनी है या नहीं करनी है, मैटर यहाँ फंसता है कि 2025 की तैयारी के लिए आप जुड़ चुके हैं, लग चुके हैं, या अभी भी जस्ट इंतज़ार में बैठे थे रिजल्ट के और अभी भी सोच रहे हैं। हमने बोला था इसके पीछे वाली वीडियो में, हमने बताया था आपको कि बच्चा 3 बार सदमे में जाता है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद पेपर ख़राब हुआ है, थोड़ा भी ख़राब हुआ है, थोड़ा डाउट डेवलप हो गया, तो पहला सदमा वहाँ लगता है, ठीक है, वो मिलाता रहता है डेली। दूसरा सदमा जिस दिन ओएमआर सीट आती है, आंसर की आती है, ठीक है। तीसरा सदमा लगता है जिस दिन रिजल्ट आता है, और ये सदमा उनको ज़्यादा लगता है जिन्होंने पढ़ाई लगभग नहीं की है या की है, थोड़ा बहुत मार्जिन पे है। नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो ढंग से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं ना, उनको क्लियर कट रहता है कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, हो रहा है तो कोई बात नहीं, मस्त रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें स्कोर इम्प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने मेडिकल MBBS की डिग्री आपको मिलेगी ना, MBBS आपको मिल रहा है, सिलेक्शन नंबर के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो आप जाके कर लेते हो, इम्प्रूवमेंट का स्कोप कम रहता है। कुछ लोग करते हैं कि भाई हमको एम से ही करना है, तो या तो वो ले के छोड़ते हैं अगले साल, नहीं तो लेते ही नहीं है। एनीवे, कहानी क्या है कि आपको असेसमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। रिजल्ट आप देख सकते हैं, रिजल्ट का मैंने बताया नहीं, रिजल्ट आप देख सकते हैं।
उसकी वेबसाइट है exam.nta.ac.in/neet, यहाँ पे आएगा, आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, मतलब अपना स्कोर कार्ड। और अभी देखिए एनटीए ने ऑफिशियली टॉपर लिस्ट नहीं बताई है, हाँ हालांकि ऑब्वियस ही बात है सारे कोचिंग और सबके पास सबका डिटेल्स है, तो उनके थ्रू जो है ना नंबर देख के 720 जो लोग पाए हैं उसके बेसिस पे लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अच्छा कौन टॉपर होगा। दो या तीन नाम मैंने देखे हैं, दो नाम शायद, हो सकता है उनमें से कोई हो सकता है एक आध और टाई ब्रेक हो जाए। टाई ब्रेक होगा तो उसका क्या रूल है वो एनटीए बताएगा, ठीक है, कि टाई ब्रेकर में क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, किसको टॉपर कहा जाएगा, दोनों को टॉपर बोला जाएगा, फर्स्ट सेकेंड कैसे होगा, ठीक है। एनीवे असेसमेंट में तीन चीज़ें हैं आपकी, क्या अपनी मिस्टेक्स को फिर से एनालाइज करना है, गलतियों को एनालाइज करना है, और लापरवाही जो पिछले साल किए हैं प्लीज़ डू नॉट रिपीट दैट लापरवाही, ठीक है, क्योंकि लापरवाही जिसको मिस्टेक्स बोलते हैं ना, अगर वो जानबूझ के फिर की जाती है ना तो फिर मिस्टेक्स नहीं रह जाती है, फिर वो क्या हो जाता है, वो ब्लंडर होता है, डिलीबरेट अटेम्प्ट होता है कि भाई हम करेंगे, ठीक है, हमारी आदत है हम करेंगे ऐसे। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, आप लिटरली मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो फिर अगली बार ना ऐसे ही सिचुएशन में आप आएंगे कि आपका स्कोर जो है पीछे रह जाएगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये MBBS करना, डॉक्टर बनना आपकी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एसेस नहीं कर पाए आप तो फिर से आप वैसे ही फंसेंगे, और इवन अगर बहुत पढ़ाई कर ली किसी भी तरीके से तो मार्जिन पे जाके आप लटकेंगे या तो क्रॉस करेंगे बस। लेकिन अगर पर्पस डिफाइन होगा तो आपकी मेहनत उसी तरीके से होगी और आप जो है ना एक सक्सेसफुल, एक बढ़िया कॉलेज से डॉक्टर बन के निकलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा, और जो पढ़ाई किए थे ढंग से पढ़ाई किए थे उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, होता है, इट्स कंपटीशन, समटाइम इट हैपेंस, सो डू नॉट वरी मच। बट आगे की पढ़ाई के लिए आपको रूटीन अपना सेट करना पड़ेगा, रूटीन सेट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के चीज़ें नहीं होंगी। सो मिलते हैं जब कुछ अपडेट आता है कि भाई कौन टॉप किया, कैसे हुआ, कितना स्कोर बना, कितना होगा, वो तो बाद में होगा, धीरे धीरे कट ऑफ का रेंज कैसे कैसे डिसाइड होगा फर्स्ट सेकेंड, अभी तो रिजल्ट है। सो सबको बधाई फिर से जो एक अच्छा स्कोर ले आए हैं, जिनको लग रहा है कि भाई MBBS मिल जाएगा 100%, जो उनके मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, और जो टॉप करेंगे उनको एडवांस में बधाई, और जिन्होंने नहीं किया है लेकिन पढ़ाई ढंग से की ना उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए बधाई कि उन्होंने पढ़ाई की, उनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर था अगर वो उतना पहुँचे हैं तो इसका मतलब ठीक है, फिर आगे आप कर सकते हैं ना, आपको ये पता रहेगा कि भाई आपने यहाँ की थी गलतियाँ, इतना एक्सपेक्ट किया था और इतना आया है। सो नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, नो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, एक साल और दिया जा सकता है, ज़िंदगी का सवाल है, एक साल ज़िंदगी को और दिया जा सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही एक वीडियो अपडेट आएगी कुछ तो बनाएंगे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खाइए पीजिए, समोसा खाइए, पकौड़ी खाइए, मस्त रहिए थोड़ा, और हो रहा है सिलेक्शन तो कॉलेज की तैयारी करिए, नहीं हो रहा है तो फिर से अगले साल की तैयारी करिए। थैंक यू।